दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम थोड़ी देर के लिए भी भूखी नहीं रह सकती थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रूपा देखने में सुंदर, सुशील और सद्गुणों से परिपूर्ण थी। लंबी नाक, सांवला रूप और मसली सी कटीली आंखें उसकी सुंदरता में स्यार साध लगा रहे थे। जब वह शादी होकर पहली बार ससुराल आई, तब कई औरतों में कानाफूसी होने लगी। किसी ने कहा बहू बहुत तेज है, तो किसी ने कहा अरे साल भर भी न टिकेगी सास के पास। बेसारी रम्मा जी, पति तो है नहीं उनके, कैसे सहेगी वो बहू की अत्याचार। औरतों की अजीबो गरीब बातें चल ही रही थी कि रम्मा जी ने अपना सास का तेवर बताते हुए कहा, मैं भी देखती हूँ बहू रानी को कि कितनी तेज है वो। मेरे आगे दाल नहीं गलने वाली बहू की, इतना कहकर बातों को हंसी में टाल देती है रम्मा जी। रूपा सब कुछ सुप साफ से सुन रही थी, वहाँ किसी की बातों का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वह उसके संस्कारों के खिलाफ था। रूपा अपने मायके में दो भाइयों के बीच इकलौती बहन थी और बेहद लाडली भी। रूपा की माँ और भाइयों ने उसे बड़े नाजों से पाला पोसा था, क्योंकि रूपा के बचपन में ही पिता का साया उसके सिर से उठ चुका था। रूपा के दोनों भाई घर में बड़े थे, उन्होंने रूपा के लाड दुलार में कोई कमी नहीं आने दी। वही रूपा ने भी मन मैं संकल्प लिया था कि मेरे ससुर जी इस दुनिया में नहीं है, मैं अपनी सास को बहुत प्रेम करूंगी। रूपा नई नवेली दुल्हन थी, वह रम्मा जी की बात को नजरअंदाज कर देती है कि जाने दो सासू माँ ही तो है, मैं उन्हें शिकायत का कोई भी मौका न दूंगी। यही सब सोचकर रूपा ससुराल में शुरुआती दिन गुजारती है। और फिर कुछ दिन बाद रूपा पग फेरी की रस्म के लिए मायके जाती है। मायके में सभी रूपा से तरह तरह के सवाल करते हैं कि सास कैसी है, देवर और ननद कैसे हैं, पतिदेव कैसे हैं। रूपा सबकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। कुछ दिन बाद रूपा ससुराल वापस आती है और अब रूपा घर के काम शुरू करती है। रूपा सबकी जरूरतों का ख्याल रखने लगी, बड़े जी जान से घर के सदस्यों की सेवा करती है। देवर व ननद का टिफिन तैयार करना, साथ ही घर के हर छोटे बड़े काम को करती। लेकिन रम्मा जी को रूपा का कोई भी काम न बाता था, हर समय रूपा के कामों पर नुक्स निकालना रम्मा जी की आदत में शुमार हो गया था। कभी रम्मा जी रूपा को काम में ढीली है कह देती, तो कभी तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करती। रूपा रम्मा जी की बातों पर ध्यान नहीं देती। इस तरह से रूपा ससुराल में एक साल व्यतीत कर रहती है। रूपा ने कभी पति से भी कोई शिकायत नहीं की। रूपा अब पूरे एक साल बाद माँ बनने वाली थी और उसकी तबीयत नरम गरम रहने लगती है, और कभी कभार रूपा को काम में भी देरी हो जाती थी। अब तो जैसे रम्मा जी को मौका ही मिल गया था रूपा के ऊपर हावी होने का, बेटे के
ऑफिस से घर आते ही शिकायतों का मोटा बंडल लेकर बैठती थी रम्मा जी। रूपा के पति माँ की इस आदत से परेशान हो चुके थे, पर न तो वो माँ से कुछ कहते थे न ही रूपा से। बेटे के इस व्यवहार से रम्मा जी को लगने लगा था कि उनका बेटा बदल गया है। इसी उतार चढ़ाव में रूपा ने पूरे 9 महीने गुजारे और उसने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था और रूपा को ज्यादा आराम भी न मिला करने को। वह जल्दी ही घर के काम करने लगती है। एक दिन बच्चे के नामकरण संस्कार की पूजा रखी जाती है घर पर, और जब तक पूजा संपन्न नहीं हो जाती तब तक रूपा को व्रत रखना था। रूपा अपना व्रत बड़ी आस्था के साथ रखती है। उसने सोचा पंडित जी के आते ही पूजा शुरू हो जाएगी, थोड़ी ही देर की तो बात है, जल्दी ही मेरा व्रत भी पूर्ण हो जाएगा। रूपा ने संकल्प लिया था, व्रत का तो वह न ही कुछ खाती है न ही कुछ पीती है, और सभी लोग पंडित जी के आने का इंतजार करते हैं, परंतु उस दिन पंडित जी जरूरी काम में फंस जाते हैं और उन्हें आने में देर हो जाती है। उस दौरान रूपा ने कई बार बच्चे को स्तनपान कराया जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं और दूध भी अब आंचल से नहीं उतर रहा था। अब तो रूपा का बेटा भी भूख से बिलक पड़ा। रूपा की परेशानी और बच्चे की भूख की तड़प को देखकर रूपा की सहेली ने कहा, ओहो रूपा थोड़े फल ही खा लो, न जाने कितना वक्त लगता है पूजा में। सहेली की बात रखते हुए पूजा ने थोड़े फल खा लिए, जिसे रम्मा जी ने देख लिया और रूपा के फल खाते ही उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया कि महारानी थोड़ा देर भूखी नहीं रह सकती थी। अरे कब कब पूजा होनी है, थोड़ी सी भी सहन शक्ति नहीं है उसमें। इतना कहते हुए रम्मा जी ने बकेड़ा खड़ा कर दिया और बेटे के कमरे में प्रवेश करते ही रम्मा जी ने रूपा की शिकायतों की जड़ी लगा दी। उधर रूपा के पतिदेव मेहमानों की आव भगत में लगे रहे, और इधर रम्मा जी के रोज के व्यवहार से रूपा के पतिदेव परेशान थे। उन्होंने माँ से तो कुछ नहीं कहा, उल्टा उन्होंने सारा गुस्सा रूपा पर निकाल दिया और जोर का तमाशा रूपा के गाल पर जड़ दिया। रूपा की सहेली सारा माजरा अपनी आँखों से देख रही थी। उससे रूपा की हालत देखी न गई। रूपा की आंखों से लगातार अश्रु धारा बह रही थी। तब रूपा की सहेली ने रूपा के पतिदेव से कहा, क्या गलत किया है रूपा ने? अगर माँ की गलतियों का एहसास कराने की हिम्मत नहीं है आप में, तो हाथ क्यों उठाया अपनी पत्नी पर? रूपा की सहेली की बातों को सुनकर पतिदेव अब शर्मिंदा थे। वही रूपा की सहेली ने रूपा को समझाते हुए कहा, जरूरत से ज्यादा सहन करोगी तो यही हाल होगा। कभी कभी बोलना भी जरूरी होता है, चुप रहना सबसे बड़ी कमजोरी है। जितना सहन करोगी उतना नीचे गिरती जाओगी। रूपा की
सहेली रूपा को समझा कर वहाँ से चली जाती है। रूपा अब बोझिल मन से पूजा में बैठती है और मन ही मन संकल्प लेती है कि मैं अब बेवजह अन्याय सहन नहीं करूँगी, बहुत हुआ पर अब नहीं। और इसी के साथ रूपा में अगले दिन बदलाव आने शुरू हो गए। रूपा ने सासू माँ की बातों का जवाब देना शुरू कर दिया। रूपा की बातों को सुनकर अब रम्मा जी कहने लगती है, मेरी बहू हर बात का जवाब मुंह में रखने लगी है। तब रूपा ने रम्मा जी से कहा, आप ही से सीखा है माँ, अब जवाब देना जरूरी हो गया है क्योंकि लोग बहुओं को कमजोर समझते हैं। मैं सुप थी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ, मैं आपका सम्मान करती थी इसलिए सुप रहती थी। आपका सम्मान तो मैं अब भी करती हूँ पर हाँ, गलत बात पर सुप नहीं रहूंगी। रूपा की बातों को सुनकर रमा जी अब शांत रहती हैं और रूपा को बेवजह ताना मारने से कतराने लगती हैं उन्हें। रूपा के बदले व्यवहार व बातों से एहसास हो गया था कि उन्होंने जो बर्ताव रूपा के साथ किया वह गलत था और अब रमा जी अपने बर्ताव को सुधारने का संकल्प लेती हुई रूपा के साथ घर में सुखद व शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।